Hey guys, welcome to our channel AP Career Consultancy. आज हम इस वीडियो में टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में इन फुल डिटेल आपको नॉलेज देंगे ताकि आपको सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में एक डिटेल एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए ताकि आप अपना फ्यूचर खुद चूज कर सकें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में। ये लोकेटेड है लखनऊ में एंड ये एस्टैब्लिश हुआ था 2016 में। ये एफिलिएटेड है बाय किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एंड ये रिकॉग्नाइज्ड है बाय एनएमसी एंड एमसीआई। सीट से इसका 150, कट ऑफ है इसका 419 एंड नंबर ऑफ बेड्स है 410। इधर का ओपीडी है अराउंड 1500 एंड आईपीडी है अराउंड 400 to 500 पर डे। ट्यूशन फीस है इसका अराउंड 11,03,000, जहाँ पर मिसलिनियस चार्जेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ऐड होता है जो है रिफंडेबल आफ्टर 5 years। एंड इसके साथ जो हॉस्टल फीस है नॉन एसी के लिए है 1.5 lakh एंड एसी के लिए है 1.75 lakhs। कैंपस साइज है इसका अराउंड 12 acres। चलो यहाँ का कुछ फैसिलिटीज़ बताते हैं। यहाँ एकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर लेक्चर थिएटर्स है, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज्ड गैलरी टाइप लेक्चर हॉल्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हॉल्स हैं एंड कॉमन रूम्स भी हैं, एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, मेडिकल स्किल्स लैब्स हैं एंड डिपार्टमेंटल म्यूजियम्स भी है। सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पर वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स भी है इसके अंदर एंड डिजिटल लाइब्रेरी भी है। इधर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में 410 बेड्स है, जो मैंने वीडियो के एकदम पहले ही बोला था, एंड 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर भी है। इधर ICU, ICCU, NICU, PICU भी होता है। ऑपरेशन थिएटर्स है जहाँ पर मॉडर्न वेल इक्विप्ड लैब्स हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज है जहाँ पर रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी होता है। ब्लड बैंक है, आई बैंक भी है। एंड स्टूडेंट फैसिलिटीज़ में इधर पड़ता है सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल, जो नॉन एसी के लिए 1.5 lakh एंड एसी के लिए 1.75 lakhs। कैफेटेरिया जहाँ पर हाइजीनिक फूड मिलता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के लिए एंड जिम भी है एंड स्टूडेंट काउंसिल रूम भी है जो स्टूडेंट को फिजिकली एंड मेंटली फिट रखेगी। रिसर्च फैसिलिटीज़ में रिसर्च लैब्स हैं, क्लिनिकल रिसर्च यूनिट है एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है CGN, जो है 6 and 7 kilometers के अंदर। नियरेस्ट एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है 10 kilometers के अंदर। आप एडमिशन्स नीट UG के स्कोर बेसिस पर ले सकते हैं और साथ ही साथ आपकी जो एडमिशन है वो स्टेट काउंसलिंग और साथ ही साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग बेसिस पर होंगे। और अगर आपको नॉलेज नहीं है कि एडमिशन कैसे होता है या फिर आपको पता नहीं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। हमारा टीम आपको पूरा हेल्प करेगी एडमिशन लेने में और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि एडमिशन कैसे लेते हैं और काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या चीज़ लगेगा जो हेल्प कर सकता है काउंसलिंग प्रोसेस में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टू नो मोर इन्फॉर्मेशन और कॉलेजेस के बारे में तो प्लीज़ स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ताकि आप अपना फ्यूचर बना सकें। एंड अगर आप हमारे टीम से ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो आपके नियरेस्ट ब्रांच वेस्ट बंगाल लखनऊ एंड नोएडा में आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।